और जुड़ गए हैं एक और वीडियो के साथ, स्क्वाड एनालिसिस के साथ। बताइएगा जी आपको लाइटिंग की आवाज मेरी सही आ रही है? तो जी इस वक्त तो यही चीजें पॉसिबल हैं। अगर आपको आवाज मेरी आ रही है तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या स्क्वाड एनालिसिस की बात करेंगे यहां पर। अगर आपको आवाज मेरी आ रही है तो बताइएगा मुझे, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये है जी, अगर हम केकेआर स्क्वाड एनालिसिस की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस वक्त ये जरूरी है कि आप अपना जो आइडियल कॉम्बिनेशन है या आपकी जो प्लेइंग कंडीशंस है उसको आप उस तरीके से ट्रीट करिए। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी थी, कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन्स में आप चाहोगे कि आपके स्पिनर्स प्ले में आए। तो अगर आपके पास जो क्वालिटी स्पिनर्स, अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो हमारे पास जैसे सुनील नरेन हो गए आपके पास, और उसके अलावा हमारे पास जो इंडियन स्पिनर्स हैं सूर्यश हमारे पास हैं, मुजीब को भी यहाँ पर रखा गया है, मुजीबुर रहमान जो अफगानिस्तान के क्वालिटी स्पिनर हैं, और हमारे पास इंडिया के क्वालिटी स्पिनर एक और हैं जो कि हैं वरुण चक्रवर्ती। तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई कि आप सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर आप कंडीशंस को भी हटा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त यह है कि आप स्पिन प्लेइंग कंडीशंस पर ज्यादा फोकस करिए। आई थिंक गौतम गंभीर इसी चीज पर सबसे ज्यादा एम्फसाइज करेंगे और सबसे ज्यादा जोर उनका इसी बात पर रहेगा कि आप स्पिन प्लेइंग कंडीशंस वहां पर बनवाइए। ईडन गार्डन्स में आप नहीं चाहोगे कि पेसी विकेट वहां पर मिल रही है जबकि आपकी स्ट्रेंथ हमेशा से स्पिन रही है और स्पिन प्लेइंग बैटिंग रही है। अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हो, जेसन रॉयल इस टीम में है, नीतीश राणा है, मनीष पांडे को पिक किया गया है, श्रेयस अय्यर है, एक चीज कॉमन इन सभी खिलाड़ियों में, रहमानुल्लाह गुरबाज आपके पास है, रिंकू सिंह आपके पास है, आंद्रे रसल है। स्पिन को भाई आप सब जानते हैं स्पिन की सबसे बेस्ट प्लेइंग टीम है आईपीएल में ये, तो आप क्यों ना अपनी स्ट्रेंथ को ही वहां पर बैक करो और वहां पर इस तरीके से टीम को पिक करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको यही होगी, वेंकटेश अय्यर भी है, कॉम्बिनेशन आपका जिस तरीके से बन रहा है तो आप स्पिन प्लेइंग कंडीशन वहां पर हो, स्पिनर्स को असिस्ट करेगी तो ज्यादा आइडियल वहां पर रहेगा। ये आपका ऑर्डर है जी। और अगर आप एक आइडियल प्लेइंग 11 की बात करोगे, एक इजीली वहां पर टीम बन जाएगी। ये देखना होगा कि विकेट कीपिंग ड्यूटीज कौन निभाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि रहमानुल्लाह गुरबाज वहां पर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए तो रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए, और उसके अलावा हमारे पास वेंकटेश अय्यर है, ये आपको ओपन करते हुए नजर आए। नंबर तीन श्रेयस अय्यर, जिनकी सर्विसेज पिछले समय मिस करी है इस टीम ने। देन हमारे पास नीतीश राणा है, देन हमारे पास रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है। तो अभी भी वही ऑर्डर है, आपको कुछ ज्यादा मिक्स एंड मैच नहीं करना। शरफेल रदरफोर्ड अगेन एक क्वालिटी ओवरसीज प्लेयर है। तो ये केकेआर की टीम जो है वो आइडियल सिनेरियो में, आइडियल के सिनेरियो में आप देख रहे हो काफी सॉलिड नजर आती है। बॉलिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा, बॉलर्स आप चाहेंगे कि आपके पास मिचेल स्टार्क है, उसके अलावा हमारे पास सुनील नरेन है, और आपके पास एक इंडियन फास्ट बॉलर अगर रखा जाए वैभव और हर्षित में से एक रख लीजिए, एंड देन आपके पास आंद्रे रसल की भी फास्ट बॉलिंग है, तो स्पिनर्स भी अच्छे खास हैं और आपके पास फास्ट बॉलिंग भी है, तो कहीं ना कहीं चेतन सागरिया को हम यूज कर सकते हैं, टिपिकल एक T20 बॉलर। तो केकेआर काफी बैलेंस यहां पर नजर आ रही है। मुझे तो लगता है अगर सबसे बेस्ट चीज हो सकती है वो ये होगी, गौतम गंभीर खुद बात करें और जो मैनेजमेंट है खुद वो कम्युनिकेट करे क्यूरेटर्स से कि भाई हर फ्रेंचाइजी, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे वो सीएसके हो, चाहे बाकी फ्रेंचाइजी हो, अपनी होम एडवांटेज लेना बड़ा जरूरी है। और मैं होप करूंगा केकेआर इस बार स्पिन प्लेइंग, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पिन फ्रेंडली सर्फेसेस बनाए और वहां पर बहुत अच्छे चांसेस होंगे केकेआर के टॉप फोर क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप सीएसके की बात कर रहे हैं और बाकी एक दो जगह ऐसी है जहां पर स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है, इकाना हो गया, तो कहीं ना कहीं अपने होम के मैचेस 7 में से 5 निकाल दिए मैच तो बहुत अच्छे, 7 में से 5 निकाल दो, 4 निकाल दो, इस तरीके के मैचेस निकाल दो, 5 तो मैं होप करूंगा। अगर स्पिनर्स को ज्यादा असिस्ट करेगी तो केकेआर के जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है स्पिन ही आपकी जीत की मिस्ट्री है, या स्पिन ही आपकी जीत की सबसे बड़ी चाबी है, और स्पिन ही केकेआर को टॉप 4 में एंट्री करवा सकती है। स्पिन को खेलने वाली खिलाड़ी भी अच्छी है, आपके पास क्वालिटी फिनिशर्स हैं, आपके पास एक जबरदस्त 24 करोड़ 75 लाख का एक फास्ट बॉलर है मिडिल स्टार, जिसको भाई इतनी बर्थ है तो कहीं ना कहीं किसी वजह से ही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है केकेआर के बहुत बहुत ब्राइट चांसेस होंगे अगर इस तरीके की वहां पर चीजें होती हैं। स्पिन फ्रेंडली सरफेस है और केकेआर बहुत जबरदस्त तरीके से आईपीएल 2024 में आगे बढ़ सकता है। मैं तो टॉप 4 प्रेडिक्ट कर रहा हूं केकेआर का, लेट्स सी किस तरीके से सारी चीजें पैन आउट होंगी। अदरवाइज 10 में से 8 आप स्क्वाड को 8-8.5 आराम से दे सकते हो, बशर्ते जैसा मैंने पहले भी कहा भाई अननेसेसरी एडवांटेज दूसरी टीमों को नहीं देनी है,
स्पिनर स्पिन फ्रेंडली सर्विस बनने चाहिए, तो 2014-2012 में होता था कि क्या अपने स्पिन से डोमिनेट करती थी अंडर गौतम गंभीर, और मैं चाहूंगा गौतम गंभीर अब जब वापस आए केकेआर में तो उनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इसी बात पर देखने को मिले कि भाई विकेट्स इस बार आपको अलग तरीके की नजर आ रही है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, जय हिंद जय भारत।